A very good morning to all of you. Hope you all are fine. Today is your first day in class pre-primary. Myself is Kusum Sethi. I am taking pre-primary classes. Welcome to your pre-primary classes. And before starting the new concepts of pre-primary, we should revise the previous work which you were done in your preschool classes. Okay, so you should follow the guidelines and stay at home, keep washing your hands, don't go outside and follow the guidelines your parents and teachers given. Okay kids, so let's start our Hindi class. Today I am taking your Hindi class. Before starting the new concept of Hindi, we will revise kar se ha. You already done in your nursery class. तो आज हम पहले कर से हा रिवाइज करेंगे. ओके, देयर आर सो मेनी पिक्चर्स विद लेटर क. हम क के साथ इन पिक्चर्स को याद करेंगे क्योंकि थोड़ी टाइम के बाद हमें ये वर्ड्स लिखने भी सीखने हैं. सो रिकॉग्निशन पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लर्निंग. अगर हमें रिकॉग्निशन नहीं होगी तो हम वर्ड्स की फॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे. ओके किड्स, सो लेट्स लर्न विद कुसुम मैम. क, का से कबूतर, का से कमल, का से कछुआ, का से कलश. द नेक्स्ट लेटर इज ख. ख, खा से खरबूजा. खरबूजा जो है समर फ्रूट है. अभी थोड़े दिन में बहुत सारे मीठे मीठे खरबूजे आएंगे. खा से खरगोश, खा से खड़ाऊ. दिस इज अ टाइप ऑफ स्लीपर्स एंड मेड विद वुड. खा से खटमल. ग, गा से गधा. गधा जो है एक डोमेस्टिक एनिमल होता है जिसे हम डोंकी भी कहते हैं. गा से गायें. गाय हमें क्या देती है? दूध देती है. यू शुड ड्रिंक मिल्क एवरी डे. हाउ मेनी ग्लासेस? टू ग्लासेस. गा से गमला. आफ्टर ग विच लेटर कम? घ. घा से घर, घा से घड़ी, घा से घड़ा. घड़े में हम पानी रखते हैं और वी शुड कवर द घड़ा विथ प्रॉपर लिड. आफ्टर घ विच लेटर कम? च. चा से चम्मच, चा से चरखा, चा से चांद. और जो हमें कब दिखता है नाइट स्काई में? चा से चप्पल. छ, चा से छत्ता. ये किसका छत्ता है? मधुमक्खी का. जैसे हमारा घर होता है वैसे ही मधुमक्खी का भी घर होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? छा से छत्ता, छा से छलनी, छा से छड़ी, छा से छाता. आफ्टर छ ज, जा से जहाज. जहाज कहाँ चलता है? पानी में. जा से मीठी मीठी जलेबी, जा से जामुन. आफ्टर जा झा, झा से झंडा. दिस इज आवर नेशनल फ्लैग. जा से झोपड़ी. झोपड़ी भी एक तरह का घर होता है. जनरली वी सी द झोपड़ी इन विलेज. झा से झरना. ट, ता से लाल लाल टमाटर. टमाटर खाने से हमारे चीक्स भी रेड रेड हो जाते हैं. ता से टब, ता से टोपी, ता से टोकरी. अब कौन सा लेटर आ गया? ठ, ठा से ठठेरा, ठा से ठग, ठा से ठेला, ठा से थप्पा. ड, डा से डाकरी, डाकिया. डाकिया क्या करता है? हमारे घर में लेटर्स लेके आता है, इसे हम पोस्टमैन भी बोलते हैं. डा से डमरू, डा से डबल रोटी. डबल रोटी ब्रेड. यू ऑल लाइक टू ईट ब्रेड बटर, ब्रेड जैम. ध,
ढा से ढाल, ढा से ढोलक, ढा से ढफली, ढा से ढक्कन। हमेशा हमें खाने और पीने की चीजों को धड़ ढक्कन से ढक के रखना चाहिए। तब ता से तरबूज, दिस इज ऑल्सो अ समर फ्रूट। ता से तितली, ता से तबला, ता से तलवार। था से थर्मस, था से थैला, था से थर्मामीटर। जब आपको फीवर होता है तो मम्मा थर्मामीटर से फीवर चेक करती है ना। था से थाली। दा से दरवाजा, दा से दर्जी, दर्जी टेलर जो कि हमारे कपड़े सिलता है। दा से दिया, दा से दवात। धा से धनुष, धा से धोबी, धा से धागा। ना से नाव, ना से नल, नल में से पानी आता है और हमें पानी बिल्कुल वेस्ट नहीं करना चाहिए। ना से निब, ना से नारियल। पासे पतंग, पासे पंख, पासे पेड़, पासे पपीता। फासे फव्वारा, फासे फूल, फासे फुलझड़ी। फुलझड़ी हम कब जलाते हैं? दिवाली पर। फासे फल, यू शुड ईट वन फ्रूट डेली। बासे बस, बासे बकरी, बसे बतख। भसे भवन, भासे भेड़, भासे भगत। मासे मछली, मछली जल की रानी है और वो कहाँ रहती है? पानी में। मासे मटर, मासे मोर। या से यज्ञ, या से यंत्र। यंत्र होता है जैसे आप कंप्यूटर यूज करते हो ना, उसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? या से यंत्र, या से या। रा से रथ, रा से रबड़, रा से रस्सी। ल से लट्टू, ला से लड़का, ला से लड़की, ला से लोटा, ला से लालटेन। जब लाइट चली जाती है ना तो हमारे घर तो इन्वर्टर है, पहले क्या जलता था? लालटेन। वा से वर्षा, वा से वन, वा से वक। और व के बाद कौन सा लेटर आता है? शा से शेर, शा से शलगम, शा से शरीफा। और इसे भी हम शा बोलते हैं, लेकिन ये क्या है? शा से षटकोण, शा से षटपद। और अब कौन सा लेटर आ गया? सा से सब्जियां। देयर आर सो मेनी वेजिटेबल। वेजिटेबल इज गुड फॉर योर हेल्थ, यू शुड ईट वेजिटेबल डेली। सा से सपेरा, सा से सांप, और सा से रेड रेड सेब। हा से हाथी, हा से हल, और हा से हिरन। हमने क से हा तक नर्सरी में भी सीखा था ना, आज हम उसको अब अपनी कौन सी नोटबुक में लिखेंगे? पिंक नोटबुक में। सो यू शुड कवर योर हिंदी नोटबुक विद पिंक शीट। ओके, सो लेट्स टेक आउट द नोटबुक। दिस इज योर हिंदी नोटबुक एंड यू शुड राइट वेरी नीटली एंड ऑलवेज स्पीक द लेटर एंड आफ्टर दैट यू विल राइट इट। फर्स्ट यू विल राइट द हेडिंग ऑन द टॉप लाइन, का फिर छोटी सी स्लीपिंग लाइन। आफ्टर दैट यू विल राइट ह।
सो टुडेज वर्क इज क से ह. स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट लाइन. क ख ग घ. आफ्टर दैट कम टू नेक्स्ट लाइन. च छ ज झ. कम टू नेक्स्ट लाइन. ट ठा ड ढा. यहां पे कौन सा ढा है? ढक्कन वाला. नाउ कम टू नेक्स्ट लाइन. स्टार्ट फ्रॉम त. त थ द ध न. नेक्स्ट लाइन प फ ब भ म. नेक्स्ट लाइन य र ल व श. श शेर. श षटकोण. ये बिल्कुल हम प की तरह लिखते हैं और इसमें एक स्लांट लाइन आती है. आफ्टर दैट स ह. यू विल डू दिस वर्क इन योर पिंक नोटबुक. दैट इज योर हिंदी नोटबुक. ओके किड्स, जब हमने ये वाला वर्क नोटबुक में किया तो आपने एक चीज ध्यान दी, मैम ने बिल्कुल भी पिक्चर्स नहीं बोली. Only speak the letters while you are writing. जब आप लिखोगे तो आपको लेटर की रिकॉग्निशन करनी है. अब कार से तो बहुत सारी पिक्चर्स हैं, तो आप क्या उन पिक्चर्स से हम लेटर्स को रीड करेंगे? जब आप पिक्चर रीडिंग करोगे, when you are going for writing the words, you will know what is the letter A, what is K, what is Kh. ऐसे ही इंग्लिश और हिंदी में हमको लेटर्स की रिकॉग्निशन करनी है, पिक्चर्स की रिकॉग्निशन नहीं. ओके, यू शुड स्पीक लेटर क ख ग घ. आफ्टर फ्यू डेज वी विल स्टार्ट द वर्ड फॉर्मेशन. ओके, यू विल डू दिस वर्क एंड सेंड इट टू योर क्लास टीचर. वी विल मीट यू अगेन इन अ नेक्स्ट क्लास. टिल बाय.